everyone. Hope you find fantastic, great, mind-blowing, motivated and inspired. My name is Aslam. I am professionally a lawyer, tax consultant, tax advisor, and working with a law firm, the tax consultants. Nowadays we have started a new show named as Talk with Rao. So welcome you to the show named as Talk with Rao with Mr. Rao Adilaslam and Mr. Rao Mumbalaslam. Let's start with the show. There are two school of thoughts. One says that passion and profession are two different things. और एक school of thought वो है जो कि कहता है कि एक passion और जो profession है वो एक एक ही चीज है. हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे और नामवर एक शख्सियत जो कि माइंड साइंसेस में बहुत ज्यादा नाम हासिल किया है, राव मोहम्मद असलम साहब मौजूद हैं. हम इनसे आज से शुरुआत करेंगे कि पहले तो हमें सबसे पहले ये बताया जाए कि एक पैशन और प्रोफेशन क्या अलग चीज है या एक ही चीज है. थैंक यू वेरी मच आदिल कि आपने तो आज बहुत ही अहम सवाल किया है और ये सवाल समझ लें कि पाकिस्तान के हर शहरी का है. दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ा काम किया जिन लोगों ने, जैसे बहुत से लोग हैं, चाहे वो यूरोप के लोग हों या अमेरिका के लोग हों या अफ्रीका के पाकिस्तान के लोग, उन लोगों के अंदर एक बुनियादी फर्क ये था कि जो एक चीज सॉरी मुश्तरक थी वो ये थी कि उनका पैशन और प्रोफेशन एक था. पैशन वो होता है जिसके इंसान जिसके लिए पूरी जिंदगी कोशिश करता है और जिसके अंदर इंसान जो है कि उसकी एक मिसाल मैं आपको बड़ी अच्छी देना चाहूंगा कि जब अब्दुस सारीदी से ये पूछा गया था कि अगर फर्ज करें आपको एक नई जिंदगी दी जाए तो क्या आप उस जिंदगी में क्या बनना पसंद करेंगे, तो उसने कहा कि मैं यही काम करूंगा जो मैंने इस दुनिया के ऊपर किया और जिससे इंसान के जिस काम को करके इंसान को खुशी मिले. और एक लफ्ज बड़ा खूबसूरत होता है इंग्लिश में BLISS, ब्लिस. ब्लिस एक ऐसी खुशी होती है जिसको हम किसी के आगे बयान नहीं कर सकते, उसका मफहूम हम किसी के आगे नहीं रख सकते, ऐसी खुशी. और जब अल्लाह सुभान व तआला को हम कयामत के दिन या उसके बाद जब हम जन्नत में देखेंगे तो वो खुशी हमें वहां पे नसीब होगी. यानी बेसिकली जो पैशन है वो ये है कि हमने करना क्या है और उसको करना किस तरह से है, उसको दिल से करना है, उसको मोहब्बत से करना है. और दूसरी बात बड़ी अहम है कि जिस काम को करते हुए आप थके ना और उसके लिए टाइम और स्पेस से आजाद हो जाए वो बेसिकली आपका पैशन होता है. और दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि ये जो हमारा प्रोफेशन होता है, जाहिर है इंसान ने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई तो काम, कोई ना कोई जॉब तो करनी है. अगर उसका पैशन और प्रोफेशन एक हो जाए तो वो जिंदगी बड़ी जबरदस्त किस्म की एक्सल होती है. जैसे बड़े लोग जितने भी हैं वो इसी से गुजरे. मेरा जो ये सवाल पूछने का बहुत ही एक बड़ा वजह थी, बहुत ही बड़ी वजह थी जो कि पूछने की थी कि आपने अपनी पूरी लाइफ में, क्योंकि हम ये एक शो ऐसा भी पहला दिन है तो हम एक ऐसा इंट्रो करना चाह रहे हैं कि हम आपकी लाइफ से कुछ हकस कर सकें, तो उसके अंदर चूंकि मैंने आपके साथ पूरी जिंदगी गुजारी है एज ए सन, तो मैंने देखा है कि आपने अपना पैशन और प्रोफेशन एक अलग रखा है. जैसे कि आपने पैशन में माइंड साइंसेस को रखा, आपने तसव्वुफ को रखा, आपने सूफीज्म को रखा, लेकिन आपने प्रोफेशन में एज ए टैक्स कंसल्टेंट एज ए लॉयर रखा अपने आपको, तो क्या आप इसमें फर्क देखते हैं? हाँ, उसमें ना इसमें थोड़ी सी मैं आपको वजाहत करूंगा कि जब मैंने एक मल्टी नेशनल कंपनी थी पेरे कार्टन, उसमें मैंने कोई 16 साल काम किया, तो मैं देखता था कि मैं घर से जो है ऑफिस जाता था, ऑफिस से घर आ जाता था और एक महीने के बाद मुझे तनख्वाह मिल जाती थी, लेकिन मैं अपनी जात को एक्सप्रेस नहीं कर सकता था, मैं अपनी जात को एक्चुलाइज नहीं कर सकता था. जबकि मैंने अपने आप को देखा हुआ था कि मैं एक टीचर था, मुझे अल्लाह सुभान व तआला ने एक टीचर बना के भेजा था. अब जहां पे भी कुछ पढ़ने की बात होती है, पढ़ाने की बात होती है, जहां पे कोई सीखने सिखाने की बात होती है तो मुझे वो काम अच्छा लगता है. तो मैंने ये बेसिकली चीजों को एक्चुलाइज किया कि मुझे खुदा ने क्या बना के भेजा है. तो मैंने जब देखा कि मुझे अल्लाह ने एक टीचर बना के भेजा हुआ है तो मैंने अपनी जिंदगी को टीचरी इसके साथ मुश्किल कर लिया माइंड साइंस के लिए. और बड़ी जो जिसपे मुझे सारी जिंदगी रहा कि क्या हम अपनी जॉब को, जो जॉब हम कर रहे होते हैं और जिसमें हम अपने आप को एक गुलाम की हैसियत से काम कर रहे होते हैं, जिसमें आपको खुशी नहीं होती. एक छोटा बच्चा है, जब उसको दिल चाहे वो खुश हो जाता है खिलौना जब देते हैं, और जब वो जाता है रोता है, कुछ देर के बाद फिर खुश हो जाता है. इससे मुराद ये है कि वो बेसिकली वो जो चाह रहा है उसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है. लेकिन जैसे हमारे पास आगे जाके अकल आती है, सोच आती है, तो हम बेसिकली अपनी उस चीजों को भूल जाते हैं और किसी और साइड पे निकल जाते हैं. तो इट मींस के आप कहते हैं कि
एक शख्स का पैशन प्रोफेशन एक भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है? नहीं, मैं ये कहूंगा कि उसको उसका जो जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, असल में दो चीजें मुख्तलिफ हैं। एक वो होता है जो बच्चों के लिए आप रोजगार कमा रहे होते हैं, जहां पे आपने कुछ हिस्सा, जैसे बानो ने भी कहा था कि कुछ हिस्सा इंसान जो है अपने बच्चों के लिए जिंदगी गुजारता है, कुछ अपने लिए गुजारता है और कुछ मरीन इंसान के लिए गुजारता है। तो बेसिकली हम बास का हम ऐसा कोई काम कर रहे होते हैं जिसमें हमारा कोई दिल नहीं होता, लेकिन उसको गुजारना पड़ता है आपको। अगर मुझे अपनी जिंदगी में बताया जाए कि आपने कुछ करना है, तो मेरा ख्याल है कि मैं तो जैसे पिछले दिनों में मॉडल टाउन पार्क के अंदर जाकर के मैंने बात की लोगों से, कुछ दिन पहले मैंने छोटे छोटे बच्चों को, झुग्गी के जो बच्चे होते हैं, उनको एक जगह पे इकट्ठा किया, उनसे बात की। बेसिकली मेरा जो प्रोफेशन है या पैशन है वो सिर्फ तालीम देना, पढ़ाना है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और राइट, अच्छा, जब भी हम कोई बात करते हैं तो कोशिश होती है कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करें, क्योंकि जो भी चीज आज हम पहुंची हुई है उसका ऑब्वियसली एक स्टार्टिंग पॉइंट था। लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टिंग पॉइंट कि आपने अपनी जो लाइफ, आपकी बॉर्न प्लेस इज नॉट लाहौर, आपकी वो बॉर्न प्लेस है एक नालकपुर जो के पहाड़ के पास छोटा सा शहर है। वहां पे लाइफ एक कंफर्ट जोन में होती है, जहां पे ज्यादातर हम पैदा होते हैं, जहां पे हम लोगों के दरमियान रहते हैं, अपने होते हैं सारे, तो एक कंफर्ट जोन होता है। आपने उस कंफर्ट जोन को अबाउट अप से कोई 26 इयर्स बिफोर और मोर देन दैट आपने उसको लीव किया, छोड़ा, क्या वो इतना आसान था कि वो कंफर्ट जोन छोड़ना? और लोग अक्सर ये कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, तो इसका मतलब है कि कंफर्ट जोन में रहना आसान है या निकलना? नहीं, असल में तो ये बड़ा सवाल अहम है, और ये तकरीबन मैं समझ सकता हूँ कि दुनिया के हर इंसान के लिए, जिस शख्स ने भी बहुत मेहनत की और अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ा। असल में जो कंफर्ट जोन होता है वहां पे इंसान अपने आप को एडिक्ट कर लेता है, वो एक नशे की हालत में चला जाता है, और उसका जो माहौल होता है, उसका जो एटमॉस्फेयर होता है, जो उसकी सराउंडिंग होती है, उससे वो वहां से उसको एक खास किस्म का जो है लस्ट मिलना शुरू हो जाता है और उसको छोड़ नहीं सकता वो। आप देखिए, परिंदे होते हैं अपने घोंसलों को लौटते हैं, 6-7 किलोमीटर सफर करते हैं। पेंगुइन के बारे में देख रहा था कि वो 4,500 किलोमीटर का सफर करके अपने घर की तरफ लौट रही थी, हालांकि उसका घर भी कोई नहीं होता। तो ये बेसिकली जिस माहौल में इंसान रहता है वहां पे एडिक्ट हो जाता है, तो इसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए एक साइकोलॉजी में एक टर्म इस्तेमाल होती है, उसको ग्रास ऊपर जंपिंग कहते हैं। जो भी शख्स उस माहौल से ग्रास ऊपर जंप लेता है और उसको छोड़ना उसके लिए आसान हो जाता है। अदरवाइज दुनिया के अंदर किसी भी आदत को, क्योंकि जॉन मैकेन कहता है कि व्हाट इज द मैन, द कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिट्स प्लस डीएनए, कि ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को तब्दील नहीं होने देती, लेकिन अगर इंसान कोशिश करे तो हो सकता है। तो देखिए, इसके अंदर दो चीजें आप बड़ा जिक्र किया करते हैं, एक है फियर ऑफ इनिशिएटिव और फियर ऑफ अननोन। तो आपने एक शहर से दूसरे शहर सफर किया, एक इसके लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव चाहिए होता है, एग्जैक्टली, क्योंकि आपको दूसरे शहर में कोई जानने वाला नहीं होता। उसके बाद दूसरी चीज होती है, आपने वहां आके एक जॉब शुरू की, आपने जॉब को एक बड़ा अरसा तक अपने साथ लगाए रखा, और उसके बाद फिर अचानक से आपने उसे छोड़ दिया, जबकि आपके साथ एक पूरी फैमिली थी जिसको आप रन कर रहे थे, एक्सपेंसेस पे आउट कर रहे थे। तो क्या उधर जो फियर ऑफ इनिशिएटिव और फियर ऑफ अननोन है वो आपके दरमियान नहीं आया? हाँ, असल में ये सारी चीजें जो आपने जिक्र किया जिन चीजों का, उसमें अहम चीज ये है कि मेरा मकसद हयात क्या है। जब तक आप अपनी जिंदगी का मकसद हयात मुतय्यन नहीं करते, आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। तो बेसिकली मैंने जो सबसे अहम काम किया था, मकसद हयात मुतय्यन किया, वो क्या था मेरा, वो ये था कि मैंने अपनी पूरी फैमिली जो मेरी है, जो यूरोप में रह रही है या निरालापुर में रह रही है, उगाड़ा में रह रही है, मैंने उसको पढ़ाना है। तो मैंने बेसिकली जब ये अपने दिल में ये ठान ली, क्योंकि हमारे जो बाबा जी थे, बाबा जो अब्दुल सूफी बरकत साहब सलार वाले, वो कहते हैं कि अल्लाह का कुन कहना और इंसान का मुसम्मी बरादा करना एक बराबर है। तो मैंने उस वक्त मुसम्मी बरादा किया था कि मैंने अपनी जिंदगी को, अपनी फैमिली को चेंज करना है, पढ़ाना है इनको, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ। अच्छा, एक तो सिलसिला ये है कि आपको पढ़ाने का शौक था या पढ़ाने का को अंदर से एक जज्बा था, लेकिन आप पढ़ाने के लिए आप यूनिवर्सिटीज में जाके कुछ भी पढ़ाया जा सकता था, आपका टेक्स्ट में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आप पढ़ा सकते थे, आपका और किसी, आपने माइंड साइंसेस को ही क्यों चुना? हाँ, असल में मैंने वो बहुत सा वक्त जो है ना वो कर्ज के साथ गुजारा, और तबलीगी जमात के साथ भी वक्त, जो जैसे इंसान के ऊपर वक्त आता है जब 14-15-16 साल का होता है, उसके बाद तकरीबन 10 साल मैंने ऐसा वक्त गुजारा जिसमें मैंने बहुत सा वक्त कब्रिस्तानों में भी गुजारा, बहुत सा वक्त मैंने क्रिकेट खेल के भी गुजारा, बहुत सा वक्त मैंने सो के भी गुजारा,
और मैंने उस दौरान बहुत कुछ सीखा। तो ये जो आपका आगाज का जो वक्त होता है उसके अंदर आप कुछ ना कुछ इंसान करता रहता है, लेकिन जो अहम बात थी वो ये थी कि मैं इस्लाम को सीखना चाहता था, मैं दीन को समझना चाहता था, मैं उर्दू अदब को समझना चाहता था, मैं इंसान को समझना चाहता था कि इंसान है क्या। बेसिकली एक सूफी भी इंसान को समझ सकता है, एक साइकोलॉजिस्ट भी इंसान को समझ सकता है, और एक जो साइंसदान है वो भी इंसान को समझ सकता है। और मेरे नज़दीक ये था कि मैंने इस अपनी तालीम को जारी रखा और साइकोलॉजी की मैंने सिगमंड फ्राइड को बहुत पढ़ा, विलियम जेम्स को बहुत पढ़ा, तो इनको पढ़ने के साथ साथ मुझे अपने आप को समझने की मैंने कोशिश की कि मैं हूं क्या, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के मैं इसमें कामयाब हुआ जब तक जहां तक भी मैं हो सका। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी अहम चीज है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा विजडम जो है मौजूद है। आपकी एक लिस्ट ऑफ जो वीडियोस हैं वो आपकी यूट्यूब पे पड़ी हुई है और लोग उससे बहुत फायदा भी उठाते हैं और शो करते हैं कि यू हैव अ लॉट ऑफ विजडम। तो क्या ये माइंड साइंसेस से ही आपने निकाला है या बिफोर दैट? नहीं, इसमें ये जो विजडम होता है ना, असल में तो पहले तो हम इसको समझें, जब इंसान अकल की, क्योंकि अभी तक जो जब भी आप देखेंगे कहीं पे इल्म की बात होती है तो बेसिकली अकल की बात होती है, लेकिन जो विजडम है वो अकल से ऊपर की बात है। जैसे मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि विजडम होती क्या है, इसको मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में डाला कई दफा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह तशरीफ फरमा है और आप देखते हैं कि कुछ लोग एक शख्स को मार रहे हैं, तो आपने कहा भी इसको क्यों आप जुदोकोप कर रहे हैं, तो इसको मेरे पास लेके आओ। तो आपने कहा भी इसको क्यों मार रहे हो, उसने कहा जी हम आपकी विजिलेंस है और कल जो है वो हमारी जंग बदर शुरू होने वाली है, तो हम इससे पूछ रहे हैं कि इनकी तादाद कितनी है, तो ये हमें बता नहीं रहा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल मुर्सलीन, उनके नालायन पे हमारे बच्चे कुर्बान, हमारे वालदैन कुर्बान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी विजडम की बात की। आपने कहा भाई एक वक्त में उस शख्स को कहा कि एक वक्त में आप कितने ऊंट सेवा करते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम एक वक्त में कभी 9 कभी 10, तो आपने कहा कि इनकी तादाद 950 है क्योंकि एक ऊंट को 100 लोग जो है वो खाते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली ये विजडम है। अब अकल की बुनियाद पे आप ऐसा नहीं कर सकते, ये विजडम की बुनियाद पे आपको मिलता है। बेसिकली मेरे नजदीक ये है कि इंसान को अकल से आगे विजडम की तरफ जाना चाहिए। जब मैंने सुकरात को पढ़ा, अफलातून को पढ़ा, अरस्तु को पढ़ा, महावीर को पढ़ा, जैन को पढ़ा, और उसके बाद जब मैंने अशफाक साहब वासिफ को और बानो आपा को और बाबा याया साहब और ये सब लोग जितने भी हैं, ये सब भी लोग विजडम के लोग हैं। तो मेरे नजदीक ये है कि इंसान को अकल से आगे विजडम की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इंशाल्लाह हम आने वाले वीडियोस में जरूर और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपसे बहुत ही विजडम का देखेंगे। अच्छा, इसमें जो अहम चीज है कि क्या जिंदगी में एक उस्ताद का होना जरूरी है? हाँ, ये ना, क्योंकि ये हमने सवाल जो है ना अशफाक साहब से किया था, हमने कहा था कि बाबा जी हमें ये बात बताएं कि क्या उस्ताद का होना जरूरी है। तो हाँ, उसने कहा एक उस्ताद वो अपने तरीके से बात करते थे कि अगर उस्ताद हो जाए ठीक है, नहीं भी होता तो कोई बात नहीं। हमने कहा बाबा जी होना चाहिए कि नहीं, ये सवाल है। तो उन्होंने कहा होना चाहिए। क्या ये जो बड़ी होता है, फ्रेंड होता है, उस्ताद होता है, मुर्शिद होता है, कुछ भी आप उसका नाम रख लें, उसका होना बहुत जरूरी है। उसने बड़ी सी मिसाल के जरिए बात को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक दफा मैं स्कूल से, अपने घर से स्कूल जा रहा था, तो रास्ते में जो अनडिवाइडेड फैमिलीज होती हैं जिन्हें ओड कहते हैं, तो उन सब फैमिली की एक ही जगह पे जो है ना होती हैं, क्या कहते हैं उनको, भेड़े। तो आप कहते हैं कि मैं भेड़ों के अंदर से गुजरने लगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, 3-4 हजार के करीब थी। जब उनके दरमियान से गुजरने लगा तो वहां पे भीड़ों के अंदर कुत्ते भी थे। जब मुझे कुत्ते पड़ गए तो मैं वापस हो गया, तो मैं वहां पे खड़ा हो गया, तो मैं अब मालिक का इंतजार करने लगा कि भेड़ों को मालिक गुजरे। तो मैंने कहा कि उसको कहा कि मैं दूसरी साइड पर जाना चाहता हूं, तो उसने अपने डंडे के जरिए भेड़ों को और कुत्तों को अलग किया और मुझे अंदर से गुजार दिया। बेसिकली जिंदगी गुजारना जो है, क्योंकि हमारे अंदर ना दो चीजें मौजूद है, फजूरहा व तकवा, कि हमें ये ताकत दी अल्लाह ताला ने, हम नेकी करें या बुराई करें। तो ये जो हमारे पास जो मुर्शिद होता है, जो दोस्त होता है, बड़ी फ्रेंड होता है, वो हमें बेसिकली वही दुनिया के अंदर से गुजारता है जहां पे फजूरहा और तकवा है, यानी वो भेड़ों को अलहदा कर देता है
और वो कुत्तों का ज्यादा कर देता है और हमें अंदर से गुजरने का मौका मिल जाता है। तो मेरे नजदीक एक उस्ताद का होना बहुत जरूरी है। इकबाल कहते हैं कि दम आरफ नसीम सुब दम है, इसी से रेशाए मानी में नम है, कोई शुआब आए मुयसर, शबानी से करीबी दो कदम है। क्योंकि वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोजाना कोई दूर के ऊपर भेड़े लेके जाते हैं, लेकिन आज भी भेड़े लेके नहीं गए क्योंकि उनकी जिंदगी में शुआब आया और शुआब ने उनको अल्लाह से मिलवा दिया। अब वो आज से बात अल्लाह से बातें करेंगे। बिल्कुल, तो उस्ताद का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अभी अगर आप इस स्टूडियो में देखें तो हमारी बैक साइड पे कुछ तस्वीर है जिसके अंदर बड़ी अहम शख्सियत की तस्वीर लगी हुई है, जिसमें से एक बानो कुदसिया और इश्फाक अहमद साहब है। आपका बहुत ही एक जिंदगी का बड़ा अरसा और एक बड़ा ही बेहतरीन जो टाइम था वो इन लोगों के साथ गुजरा है, तो क्या आप इन्हें भी उस्ताद मानते हैं और इनके साथ भी आपने बहुत कुछ सीखा? नहीं, ये जो बात है ना कि अशफाक साहब जो हैं, ये उनके साथ तो मेरा कम वक्त गुजरा, लेकिन मेरी ख्वाहिश बहुत रही कि मैं लंबा अरसा उनके साथ गुजारता, एक लंबी इनिंग्स खेलता उनके साथ। लेकिन बानो पाक साथ एक मेरा 13 साल की मोहब्बत रही उनके साथ, और वो मेरी मुर्शिद भी थी, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। खासकर एक सवाल बड़ा अहम मैंने बानो आपस एक दफ़ा किया था कि बानो अम्मा जी ससी रब ना प्यार करिए या गरीश करिए, तो अम्मा जी कहने लगी कि पुत्र आपा ना रब ना प्यार करिए, मैं भी इश्क क्यों ना करिए। कहते फिर आदल नू मीना के मुकाम पर ले जाकर छुरी चला लेंगा इब्राहिम की तरह, तो मैं कह नहीं अम्मा मेरे को नहीं चलनी, तो फिर आपका रब ना प्यार करिए। तो बानो आपा के साथ जो मोहब्बत रही, वक्त गुजरा बहुत ज़्यादा, वो एक बहुत दानिश मंद खातून थी और उन्हें मुझे इसलिए भी प्यार आता था उन पे कि उन्होंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया। बिल्कुल। हालांकि अशफाक साहब तो अपने कामों में मसरूफ रहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके बच्चे बड़े कमाल के हैं। अच्छा सर, यहाँ से अब एक चीज देखी जा सकती है कि आपने माइंड साइंसेस को तो ऑप्ट किया, आपने उसे अपनाया आपने, लेकिन आपके ये एक बहुत बड़ा एक है लोगों के दरमियान में कि एक फियर ऑफ फोबिया है लोगों में, जो कि फियर फोबिया है उसका आप स्टेज फियर है, लोगों को स्टेज फियर है, जिसे आप और भी किसी बात में कुछ कहते हैं, मेरे ख्याल से रोस्टम फियर कहते हैं उसे, लोगों के दरमियान भी है, मेरे दरमियान भी रहा और बड़ा अरसा रहा और अभी भी कुछ हद तक कोशिश में है, तो आप में भी जरूर ये होगा, तो आप कोई ना कोई शख्स तो होगा जो आपको एक दफा स्टेज पे लाया होगा। हाँ जी, इस दे सबसे पहली बात तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये एक बड़ा खूबसूरत वाक्य है कि एक दफ़ा मुझे स्टेज पे कभी भी बात करने का मौका नहीं मिला था और मेरे अंदर ये डर मौजूद था, ये फियर जो रोस्टम फियर है मेरे अंदर था। एक दफ़ा मैंने अखबार में एक कटिंग आई, मुझे किसी ने दी, उसने कहा कि डॉक्टर मुईज साहब जो हैं वो कराची से तशरीफ लाते हैं लाहौर में, और एक होटल के अंदर जो 4-स्टार होटल है लाहौर का, उसके अंदर वो तशरीफ लाते हैं, तो आप भी तशरीफ ले जाइएगा। मैं वहाँ गया, 150 रुपये का टिकट लिया और जाके बैठ गया। अब ये मेरी ज़िंदगी यहाँ से एक टर्न लेती है, एक नया मेरी ज़िंदगी के अंदर जो है यू टर्न आता है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि सब लोग 80 के करीब जो लोग थे वो जाके तो बैठ गए, अपनी सेटल डाउन हो गए कुर्सियों पर, और एकदम एक शख्स आया जिसने बोल लगाई हुई है और उसने फ्रेंच रखी हुई है और वो खूबसूरत तरीन अल्फाज में बोलता है। तो मैंने कहा, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैंने कहा कि ये वो शख्स है जो मैंने बनना है। तो मैंने उसके बाद उनके जो तमाम कोर्सेज जो वो करवाते थे मैंने वो किए, और साथ मैंने एक चीज कर रखा कि मैंने हर सूरत में स्टेज पे आना है। अच्छा, ये फियर फिर भी मेरे पास रहा, क्योंकि डॉक्टर मोहित साहब तो हमें नहीं सिखाते थे कि आपने स्टेज पे कैसे आना है। तो एक शख्स मुझे और मिला, उसका नाम सुल्तान खान है, बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, मेरे उस्ताद हैं, बड़े बहुत बड़े इंसान हैं। अगर कोई बंदा मुझसे पूछे कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंसान देखा है तो वो कौन सा है, तो मैं उसके लिए उन्हीं का नाम तजवीज़ करूँगा, क्योंकि वो इकबाल दर्जे के इंसान है। जो मैंने कहा गया ना कि मन माजा ते तन गोका तेरा ते जुड़िया जोड़ा वल्ला, असल असीलां दा मुल पैंदा बाकी अल्लाह अल्लाह। तो मैंने एक वाहद इंसान देखा था जो अंदर और बाहर से एक जैसे, वो सुल्तान खान थे। तो सुल्तान साहब को मैं कहीं मिला, मैंने कहा सर मैं स्टेज पे आपसे बात करना चाहता हूँ, तो पहली दफा उन्होंने मुझे स्टेज पे खड़ा किया तो मैंने 15 सेकंड बात की, तो उन्होंने घड़ी देखी और उसने कहा कि नहीं राव साहब, आपने 1 मिनट बात करनी है। और मेरा ख्याल है कि वो 1 मिनट को पूरा करने के लिए 3 से 4 दफा मुझे पानी पीना पड़ा, बैठना और बैठना पड़ा, और उसके बाद मुझे वो, लेकिन
उसके बाद उन्होंने खूबी और उनकी अल्लाह ताला उन्हें जजा दे इस बात का और उनके बच्चों को भी इस बात का जजा दे कि वो मुझे कभी इस्लामाबाद लेके गए, कभी मुल्तान लेके गए, कभी एबटाबाद लेके गए और कभी वो मुजफ्फराबाद लेके गए, जहाँ पे भी वो अपनी ट्रेनिंग्स करते थे तो मुझे स्टेज पे ला करके बुलाते थे और कहते थे राव साहब आप बात करें। अच्छा मैं हिचकिचाहट करता था, मेरी टारगेट आपकी थी, लेकिन वो कहते थे नहीं आपने खड़े होना करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसके बाद देखिए कि मैंने खुद भी हजारों लाखों लोगों को जो है ट्रेनिंग्स दी है ताकि वो स्टेज पे किस तरह से फियर को खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल सही। और इसके लिए मैंने और किया है कि जब भी हमने आना होता है स्टेज पे आना होता है, स्टेज पे आने के लिए एक आपके पास एक सेलिंग पॉइंट होता है जो आप दे सके लोगों को, लोग आपकी बात सुन सके और आगे पहुंचा सके। ये तो आपके पास मतलब आया माइंड साइंसेस है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि दुनिया की लोगों की बातें लोगों में करने के लिए होती हैं, और उसके लिए इंसान कुछ ना कुछ ऑप्ट करता है, कुछ ना कुछ अपनाता है। तो मैंने आपका देखा है कि आपने एक बहुत ही बड़ा अरसा, बल्कि आप बुक रीडिंग में बड़ा टाइम गुजारते हैं रात को शाम को, और कई दफा मैंने आपको सुबह में भी किताब पढ़ते देखा है। तो क्या आप समझते हैं कि आपने किताब के जरिए भी स्टेज पे बोलने के लिए, स्टेज तक जाने के लिए, लोगों की बातें लोगों तक करने के लिए आपने किताब का भी इस्तेमाल किया है और याद पढ़ा है किताबों को भी? अच्छा आदिल, इससे ये भी सवाल बड़ा अहम है कि फर्ज करें कि ये जो ना असल में इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है USP कि योर सेलिंग पॉइंट। बेसिकली हर इंसान के पास एक सेलिंग पॉइंट होता है कि उसने अपनी कौन सी उसके अंदर अल्लाह ताला ने खूबी दी हुई है। बेसिकली इंसान को अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियां दी होती हैं, इंसान का काम सिर्फ उस एबिलिटी को कैपेबिलिटी में चेंज करना होता है। असल में जो सबसे अहम काम ये था कि क्या मेरे अंदर जो खूबियां हैं क्या मैं उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो मुझे सबसे जो बेहतरीन लगा वो ये था कि मैं स्टेज पर आके बात कर सकता हूँ। अच्छा दूसरा ये कि मेरी जो सेलिंग पॉइंट मेरे पास है वो माइंड साइंसिस है। बिल्कुल। और उसी लिहाज से मैंने उसको जिंदगी के अंदर वो लेके चला और उसको मैंने अपनाया। दूसरा जो आपने कहा किताब से वाबस्तगी, किताब से वाबस्तगी मेरी बचपन से है। मैं क्योंकि बस में अदब हुआ करता था स्कूल में, और ये हमारे बहुत से दोस्त होते थे आजकल वो जो टीवी के ऊपर आपको नजर आते हैं, जिनमें आफ्ताब इकबाल भी है, जिनमें हमारे बहुत सलमान गनी साहब भी हैं जो टीवी बैठे होते, ये सारे हमारे स्कूल में हम पढ़ते थे और वहीं से हमने ये चीजें सारी सीखी। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के जो मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छा लगा वो ये था कि वो जो किताबें हम आप एक बात आपने गौर करनी अपनी जिंदगी के अंदर कि अगर फर्ज करें कि आप किसी यूनिवर्सिटी आप किसी लाइब्रेरी में गए तो आप हमेशा अपने रैक के पास जाते हैं। रैक से मुराद ये होता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है, आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, अदब पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश अदब पढ़ना चाहते हैं, आप कोई सराइकी या रशियन अदब पढ़ना चाहते हैं, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। तो मैं हमेशा से जो माइंड साइंस की किताबें होती हैं वो मुझे ज्यादा इंस्पायर करती हैं, और आजकल मुझे तसव्वुफ की जो किताबें हैं खासकर कीमिया सादत मैंने पिछले दिनों वो मुकम्मल की है, और इसके अलावा जो हमारे अशफाक साहब के जागिया है मैंने उसको मुकम्मल किया, इस तरह अशफाक साहब की बहुत सी किताबों का मुताले किया। तो ये जो किताबें होती हैं ये आपको अपने साथ मुंसलिक रखती हैं, और हजारों की किताबें, हजारों की तादाद में किताबें मैंने मुताले की है। बिल्कुल, क्योंकि मेरा रोजाना का शौर है कि 80 सफ़े 50 सफ़े में रोजाना पढ़ के सोता हूँ। बिल्कुल सही। और मैंने देखा है कि एक बड़ी खूबसूरत और बिल्कुल मुख्तसर सी और बड़ी अच्छी एक लाइब्रेरी भी घर में हमेशा रहती है और बहुत ही खूबसूरत। और मैंने ये देखा कि जब भी आप किताब से वाबस्ता रहते हैं, मुतालिक उसे कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, तो यू गेन समथिंग एवरी टाइम। आपने किताब से तो एक बड़ा एक ताल्लुक रखा, और किताब के साथ साथ आपने मॉडर्न साइंसेस को पढ़ा, माइंड साइंसेस क्योंकि एक मॉडर्न साइंसेस है, तो आपने इसके अंदर सूफीज्म को बहुत ज्यादा अपनाया है। तो आप क्या समझते हैं कि एक कन्वर्जन, अचानक से कन्वर्जन आपके ख्याल से बिल्कुल दुरुस्त है? असल में ना इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया ऐसे है कि ये हर सूरत में अपने आप को भी, जैसे वो तमाम कायनात को एक्सप्लोर करता है ना, वो अपने आप को भी एक्सप्लोर करना चाहता है। हज़रत अली करम वजह का वो कौल कि जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने गोया अपने खुदा को पहचान लिया। तो ये जो अपने नफ्स को पहचानने का सफ़र है और फिर वो खुदा को पहचानने का सफ़र है, इसमें इंसान लगा रहता है। तो मैंने भी क्योंकि जब मॉडर्न साइंस को पढ़ा और आइमा कराम को पढ़ा, तो उसके बाद मेरा नतीजा भी यही था कि मुझे अब उस तरफ जाना है जहाँ पर मैं अपने आप को एक्चुलाइज करूँ, प्योरीफाई करूँ।
तो वो उसके लिए लगा हो, कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल सही, वो इंशाल्लाह हम भी बताएंगे और पब्लिक भी जरूर बताएगी। अच्छा, उसके बाद आपसे एक आप बड़ी बात क्या करते हैं जो कि मुतालिक है कि किताब से वाबस्तगी जो आप एक अम्मा जी के पेश करते हैं मानो कुछ की, वो आप प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हाँ अच्छा, नहीं वो मैंने एक दफा सवाल किया था क्योंकि मेरी आदत में शामिल था कि मैं अम्मा से सवाल करता था। जो लोग वहाँ पे आते थे वो आके बैठे रहते थे या वो बात नहीं कर सकते थे या बात करने के काबिल नहीं होते थे, मतलब बड़े बड़े लोग आते थे वहाँ पे, लेकिन मेरी आदत में शामिल था कि मैं सवाल करता था। मैंने अम्मा से सवाल किया था कि मैं कहा अम्मा जी मरण तो बाद जिंदा रहने का तरीका है। मुस्कुरा के कहने लगी कि असलम है गया। मैंने की कहती या किसी लाइब्रेरी से बह जाके या लाइब्रेरी से किताब छठ के मरी, जब मरेंगा तो उस बात में जिंदा रहेगा। वाह क्या खूबसूरत। हाँ तो ये जो किताब होती है ना इंसान को जिंदा रखती है। आप देखिए कि बेशुमार दुनिया से लोग चले गए इस कायनात से, दुनिया यानी माँ के पेट से लेके और कब्र के पेट तक का जो सफर है उन्होंने पूरा कर लिया। अब देखना यह है कि वो जो सफर उन्होंने पूरा किया, अब उनकी किताबें लाइब्रेरियों में कॉलेजेस में और मुख्तलिफ जगह पे मौजूद हैं, तो वो तो मर गए लेकिन किताब तो मौजूद है। बिल्कुल। तो और वो जो बात कहा ना कि बुल्ले शाह ने कि बुल्ले शाह से मरना नहीं गौर पे या कोई और, वो यही तो बात कहते हैं कि जब आप मुआशरे के लिए और अल्लाह की मखलूक के लिए मर जाते हैं तो इससे मुराद हम मरते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक यानी कि किताब से वाबस्तगी बहुत जरूरी है, तो व्यूज के लिए एक बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छा एक मैसेज भी गया। अच्छा, इसके बाद कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अच्छा, उसमें आते हैं कि जरूरी बड़ी अहम बात है वो ये है कि जब आपने स्टेज पे आके बात करनी है तो करनी क्या है, अगर आप किताब से व्यवस्था नहीं होंगे तो फिर आप कैसे करेंगे। इससे मुराद है कि आपका जो कंटेंट है जो आपने देना है लोगों को, मैसेज देना है, वो मैसेज है क्या। अगर आप किताब से व्यवस्था नहीं है, किसी अल्लाह के वली से व्यवस्था नहीं है, कभी उस्ताद से व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये बड़ा कहा जाता है कि अगर फर्ज करें ग्लेशियर जो है पिघलेंगे नहीं तो पानी कहाँ से आएगा, तो उसी लिए आपके पास किताब से व्यवस्था होना पड़ेगा, किसी लाइब्रेरी से व्यवस्था होना पड़ेगा। बिल्कुल सही, ये तो कुछ अहम बातें थी जो कि मुतालिक थी आपके इल्म और विजदान से मुतालिक थी। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप कैमरे में देख सकें तो ही लुक्स मोर यंगर देन मी, तो हम थोड़ा सा तालीम स्टडी से बाहर आके ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने अपनी जिंदगी में योगा ट्रेनर भी रहे और योगा को भी आपने अपनी जिंदगी में अपनाया है। अमूमन ये देखा जाता है आप सुबह उठ के सबसे पहले योगा ही करते हैं, तो क्या योगा का लाइफ में क्या असर आप देखते हैं अपनी लाइफ में। असल में ना योगा को जो लोगों ने ये समझा हुआ है ना कि ये भाग दौड़ और बहुत तेज भागना और ये चीजों का नाम है, ऐसा नहीं है। योगा का मैं वो हिस्सा इस्तेमाल करता हूँ जिसमें इंसान अपनी आंखें बंद करे और अपने गौर फिक्र में लग जाए, अपनी बॉडी के आप जो सेल हैं आपकी बॉडी के, आपके टिश्यू हैं, आपके ऑर्गन सेल हैं और आपकी पूरी बॉडी है, उसके जो आपके ऑर्गन्स हैं, इन तमाम को आदमी जो है वो रोजाना देखे। मैं एक मिसाल आपको देता हूं। हमारे अक्सर एक बात की जाती है कि एक अल्लाह के वली थे और वो सुबह को रोजाना जो है वो कहीं जाया करते थे कहीं पे, तो दरिया के किनारा कहीं कुछ होगा वहां पे जाते थे। तो एक शख्स जो चौकीदार था, जो मकान का चौकीदार, तो रास्ते में मकान था, तो चौकीदार जो है बाहर खड़ा हुआ और एक दिन कहने लगा कि बाबा जी तुम कहाँ जाते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं भी चौकीदारा करता हूँ। उसने कहा बाबा जी तुम कौन सा चौकीदारा करते हो, आगे तो घर ही कोई नहीं है। तो उसने कहा तुम क्या करते हो। उसने कहा जी ये घर है और मैं इसकी चारों तरफ डंडा लेके फिरता रहता हूँ और जब अपना चक्कर पूरा करता हूँ तो उसके बाद मैं दरवाजे पर बैठ जाता हूँ आके। तो उसने कहा जी तुम क्या करते हो। उसने कहा जी मैं भी चौकीदारा करता हूँ। उसने कैसे। उसने कहा मैं दरिया के किनारे जाता हूँ और वहाँ पर जा करके मैं आंखें बंद करके बैठ जाता हूँ और मैं भी अपना चौकीदारा करता हूँ। क्या कि कोई ऐसी बात तो नहीं मैंने कर दी जिससे लोगों का दिल दुखेगा, कोई ऐसा काम तो नहीं मैंने किया जो मेरे अल्लाह के पास में जाकर पकड़ा जाऊंगा, कोई ऐसा काम तो नहीं मैंने किया जो अल्लाह के मखलूक के लिए बहुत खतरनाक हो। तो बेसिकली मैं भी एक चौकीदारा करता हूँ। तो बेसिकली ये हम एक चौकीदार में लगे हुए। मींस टू इंक्लूड योर इनर सेल्फ, यानी अपने इनर सेल्फ को बाहर निकालना, बाहर अपने लिए बल्कि इस्तेमाल करना। असल में ना इसमें अहम बड़ी चीज है, वो कहते हैं दोरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। ये जो इंसान के अंदर और बाहर का सफर है, क्योंकि इंसान बाहर से और तरह का है
और अंदर से कुछ और तरह का है। तो बेसिकली दीन मजहब सब कुछ जो कुछ भी तसव्वुफ आपको अंदर और बाहर से एक जैसा करना चाहता है। तो ये जो सफर है अंदर और बाहर का, ये बेसिकली इसमें इंसान को लगे रहना चाहिए। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। लेट्स कंक्लूड द होल स्टोरी और पूरी एक एपिसोड को कंक्लूड किया जाता है। अब आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह ऐसे ही कुछ और वीडियोस भी दिया करेंगे, क्योंकि एक चैनल बन चुका है और वीडियोस का एक चैनल है जो कि हम लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आने वाले वक्त में हम माइंड साइंसेस में किस किस चीज से मुतालिक हम बातें करेंगे, क्योंकि आपके पास एक बड़ा ही तरीकाकार है, NLP है, सिल्वा मेथड है, 4D है आपके पास, और भी बहुत कुछ है। तो हम कैसे इसको लेकर चलेंगे थोड़ा सा? हाँ, असल में तो ये जितनी भी चीजें आपने जिसका ये बेसिकली माइंड साइंस के डिसिप्लिन है जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में पढ़ाए जाते हैं और ये सब ब्रांड्स हैं। और अल्लाह का ये करम और फजल है मुझ पे कि बाकी दुनिया के किसी भी हिस्से से कहीं पे भी कोई इस टाइप का कोई भी डिसिप्लिन मौजूद था तो वो मैंने उसके अंदर जा करके उसको सीखा और उसको किया, चाहे मुझे दुबई जाना पड़े चाहे रशिया जाना पड़े, तो मैंने वो किया सब कुछ। तो इंशाल्लाह मेरा आगे से ज़िंदगी के अंदर ये है कि मैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाऊंगा, एक दिन का प्रोग्राम, दो दिन का, तीन दिन का प्रोग्राम, और वो किसी अच्छे से होटल्स के अंदर हम जाएं या कोई मरी में या कुछ ऐसी जगह पे जाएं, जा करके हम लोगों को साथ लेके जाएं और वो लोग करें। क्योंकि इसमें ना अहम चीज़ ये है कि जो हमारी जो माइंड है, हमारी जो रूह है, हमारा जो जज्बात हैं, हमारा जो जिस्म है, हम उसको या हमारी एस्थेटिक सेंस है उसको एक स्टेज पे लेके आए। और योगा और ये माइंड साइंसेस की खूबी ये है कि आपको टेंशन फ्री करती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस से, लो मूड से बाहर निकालती है। तो कोशिश मैं करूँगा इंशाल्लाह कि लोगों को इस काबिल करें कि वो एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएं। बिल्कुल, और इसके लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो के कमेंट्स नीचे आया करेंगे, जो कि फेसबुक पे लोगों ने कई दफ़ा सवाल भी पूछे, और लेकिन हमने कुछ ऐसा मौका नहीं दिया हम लोगों को कि हम एक अच्छा सा जवाब उन्हें दे सकते, क्योंकि लोगों के जवाब देने ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह हम इस तरह क्या करेंगे, जो भी कमेंट्स आया करेंगे वो भी हम उसका भी जवाब एंटरटेन किया करेंगे, और जो भी आपके पास एक ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि लाइफ में बहुत अच्छा लोगों को प्रॉस्पर करवा सकती हैं, तो हम उसको भी लेके इंशाल्लाह इस तरह साथ लेके चलेंगे। तो आज के लिए सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वी वार्मली वेलकम यू, एंड इंशाल्लाह ये एक पूरा सिलसिला जारी रहेगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टॉक विद रॉ। थैंक यू।